हाँ जी, सो आई फील ग्लैड कि मेरी फैमिली ने मेरे को सेवेंथ क्लास के आसपास अपने होम टाउन से बाहर निकाल दिया पढ़ाई करने के लिए. एंड उसी चीज़ के चलते शायद मुझे कि सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनना क्या होता है इसके बारे में पता चला. एंड शायद वहीं से इतने गट्स आए कि ट्वेल्थ के बाद जहाँ मेरे घर के आसपास काफ़ी अच्छे कॉलेजेस थे, उसके बावजूद भी मैंने किसी दूसरी स्टेट में जाकर पढ़ाई करने का उनको बोला कि मेरे को वहाँ जाना है. अब ऐसा क्यों? हमारे इंडिया में ना यार वैसा कल्चर बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि फॉरेन में. फॉरेन में जहाँ बच्चे को मतलब 15-18 की एज में उसकी फैमिली वाले बोल देते कि जाओ बेटा बाहर तुम अपने हिसाब से जॉब करो या घर से अलग रहो और जैसे भी तुम्हें अपनी मैनेज करनी है पढ़ाई और सब कुछ करो जाके, मतलब एक तरीके से खुद की ज़िंदगी जियो जाकर. अपने इंडिया में हम लोग के साथ जितने भी बच्चे हैं, हम लोग यहाँ पर वैसा कल्चर नहीं है. हमारे यहाँ पर उतनी जल्दी बच्चे को घर से बाहर निकलने को नहीं मिलती है अपॉर्चुनिटी या घर वाले देते नहीं हैं. अगर आप कभी भी नहीं देखोगे कि हमारे घर पे ऐसा बोला जाए कि हाँ बेटा अब तक हमने बहुत पढ़ा लिया, अब आप बाहर निकलो, खुद कमाओ, खुद पढ़ो, वैसा कल्चर बिल्कुल भी नहीं है. सो हमारे इंडिया में जितने भी बच्चे हैं, मैक्स ऑफ द जो बच्चे हैं या मैक्स ऑफ जो उस एज ग्रुप में आते हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी केवल एक बार मिलती है अपनी ज़िंदगी में, और वो तब जब वो मूव आउट करते हैं अपने हॉस्टल्स में या पीजीज में अपनी एजुकेशन के लिए, अपने बैचलर्स के लिए. आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ अस ये पहला इंसिडेंट होता है जब आप घर से बाहर निकल रहे होते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठाने के लिए, अपने घर से इतनी दूर रह रहे होते हो. बिकॉज द सेम थिंग हैपेंड विद मी. मैं भले ही सेवन्थ से मेरे को अपने घर से लाइक 80 किलोमीटर्स दूर पे पढ़ने जाना पड़ता था, एंड सिर्फ मैं रात में ही वही 7-8 बजे घर वापस आता था एंड नेक्स्ट डे मैं 5 बजे फिर छोड़ देता था. मतलब मैं केवल सोने के लिए घर आ रहा था. बट जब मैं बाहर जाने के लिए मैंने बोला, मेरे घर वालों ने ऑब्वियसली बोला कि घर के आसपास हैं जहाँ पे तुम जा सकते हो एंड तुम हमेशा से ऐसे ट्रैवल करते रहो, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ डे स्कॉलर्स एंड तुम ऐसे पढ़ाई कर सकते हो, अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर सकते हो. बट मेरा वो मन ही नहीं था बिकॉज मेरे को बाहर निकलना था, मेरे को खुद से वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना था कि हाँ सारी चीज़ों के ऊपर मुझे ही फोकस करना पड़ेगा एंड हर चीज़ें कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा. एंड आई हैव सीन कि जो मेरी लोकेलिटी में है, जितने मेरे दोस्त लोग बने हैं उसमें, जो लोग हॉस्टल्स में या पीजी में रहे हैं, जिनका मतलब एक एक्सपीरियंस उनकी लाइफ में रहा है हॉस्टल या पीजी में रहने का, वो बहुत ही डिफरेंट हैं. उनकी सोच बहुत डिफरेंट है, उनको पता है कि हाँ मैनेज कैसे करनी है चीज़ें एंड उनको पता है कि उनकी लाइफ में उन्हें किस तरह चलना है. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग डे स्कॉलर्स हैं या फिर जो लोगों ने कभी हॉस्टल में अपनी लाइफ नहीं बिताई है वो कहीं से ख़राब हैं या कुछ भी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि हॉस्टल एंड लाइक पीजी गिव यू एन लिटिल बिट एक्स्ट्रा एज कि आप समझ सको दुनिया चलती कैसे है. एंड दैट इज़ द रीज़न आई वॉन्ट टू टेल यू कि जितने लोग अभी स्कूल्स में हो या फिर जो लोग कॉलेज लेने वाले हो, प्लीज़ ऑप्ट फॉर दोज कॉलेजेस जहाँ पर आप हॉस्टल में रह सको या पीजी में रह सको, बिकॉज यू नीड दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर लाइफ एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लीव योर होम. बुरा लगेगा, आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं अपने हॉस्टल में था एंड मेरा 2 साल शायद ख़त्म हो चुके थे एंड 3रा शुरू हो रहा था, एंड मेरे को पता था कि आने वाले टाइम में मेरे को कहीं पर इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ेगा या फिर कहीं पे जॉब पर जाना पड़ेगा एंड वहाँ पर इवेंचुअली ये हॉस्टल जैसा तो हाल नहीं रहेगा. वहाँ पे मेरे को खाना भी खुद का बनाना पड़ेगा, सफाई भी खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो करी कराई मिल रही थी हॉस्टल में. एंड दैट वॉज़ द रीज़न कि मेरे को खुद को प्रिपेयर करना था उस चीज़ के लिए, एंड दैट्स वाई आई ऑप्ट टू लीव द हॉस्टल एंड मूव टू द पीजी. क्योंकि जब आप हॉस्टल से पीजी में आते हो ना, जितना डिफरेंस एंड जो एक आप कदम लेते हो अपने घर से हॉस्टल में जाने से, उससे जस्ट वो डबल चीज़ होती है हॉस्टल से पीजीज में जाना. बिकॉज वहाँ पे अब आप और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, आप अपना बजट मेंटेन करने हो, आपको खाना बनाना है, आपको कल कैसे दिन चलेगा, आपका घर का कैसे आपको ख्याल रखना है, एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज. एंड हाँ, वो चीज़ आपको प्रिपेयर कर देती है आपके आने वाले ज़िंदगी भर के लिए. नटशेल, हॉस्टल लाइफ और जो आपकी पीजी लाइफ होती है, दिस प्रोवाइड यू अ इमेंस एक्सपीरियंस ऑफ हाउ दिस एक्चुअल वर्ल्ड्स वर्क एंड वहाँ पे आपको कैसे करना है. अगर आप कभी भी पहले हॉस्टल या पीजी में नहीं रहे हो, जॉब करने के लिए सीधे बाहर जा रहे हो,
मुश्किलें होंगी आपको, मतलब ऐसा नहीं कि आप सेटल डाउन नहीं हो पाओगे, आप सेटल डाउन कर लोगे, बट बहुत ज़्यादा मुश्किलें आपको झेलनी पड़ेंगी इनिशियल फेज में, क्योंकि उस समय जॉब का जहाँ लोड रहेगा वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी, जहाँ आपको अकेले रहना है एंड ऑल दीज थिंग्स। बट अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस है, आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी है हॉस्टल और पीजीज में, तो शायद वो चीज़ इतना आपको फ़र्क नहीं डालेगी। एंड डेफिनेटली ये दो एक्सपीरियंस ऐसे हैं ना यार कि बहुत इम्पैक्ट रखते हैं आपकी लाइफ के ऊपर। सो दिस वॉज जस्ट अ स्मॉल वीडियो जहाँ पे मैं ये बोलना चाहता था कि इफ़ यू वॉन्ट बी मोर सेल्फ इंडिपेंडेंट, द ओनली ऑप्शन यू गेट इनिशियल इन योर लाइफ जहाँ पे अपनी फैमिली को बोल सको कि मेरे को अकेले रह के सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, दैट ऑप्शन इवन कम्स विद योर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी व्हाइल यू आर डूइंग योर बैचलर्स और व्हाटएवर थिंग। सो जस्ट लीव योर होम एंड गो डू योर बैचलर्स, बिकॉज बैचलर्स में सिर्फ आपको डिग्री नहीं मिलने वाली है, आपको बहुत सब कुछ मिलने वाला है। जस्ट ऑप्ट फॉर द हॉस्टल पीजी व्हाटएवर, that is also a bigger thing and provide you a bigger experience than your degree. So that's all for today's video. If video pasand aaye to like kar dena, bahut zyada pasand aaye to subscribe kar dena, bahut zyada pasand aaye to share kar dena. And is channel pe aur bhi bahut pyare pyare videos hain, go and check out all those. Thoda sa support dikhao yaar mere channel ko bhi, jaise ki main bhi motivated rahu in cheezon ko karne ke liye. And that's all, milte hain agli video mein, tab tak sab log apna khayal rakho. Love from Maheshwar from Lucknow.